नमस्कार, मैं संगीता जालानी श्री के बी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से। कक्षा 9th विषय हिंदी और पाठ है अपना सेवंत सूरदास के पद। तो सूरदास जी है, उनका जो जन्म का समय है वो कौन सा है? 1478 ईस्वी, और उनकी मृत्यु का समय है 1573 ईस्वी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कवि की रचना पे हमको बाद में जाना है, पहले उनके जन्म के समय के अनुसार हमको उनका जो समय है वो हमको निश्चित कर लेना है कि वो कौन से समय के कवि है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो उन्होंने चार भागों में समय को विभाजित किया है, पहला मैंने आपको बताया था कौन सा है, आदिकाल या वीर गाथा काल, जो 1050 से 1375 ईस्वी तक है, और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, वो संवत 1375 ईस्वी से 1700 संवत तक। फिर है उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, संवत 1700 से 1900 तक। और फिर है आधुनिक काल, आधुनिक काल का दूसरा नाम है गद्य काल, जो संवत 1900 से आज तक है। तो जो कवि है सूरदास जी वो कौन से समय के हुए? भक्ति काल के या पूर्व मध्यकाल के। फिर जो है भक्ति काल, भक्ति काल को फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है निर्गुण और एक है सगुण। तो निर्गुण का वापस दो भागों में विभाजन मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन सा है? प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। फिर हम आते हैं सगुण में, तो सगुण का वापस दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन सा? राम मार्ग और कृष्ण प्रेम, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो जिन्होंने राम की भक्ति की, ऐसे कवियों में सर्वश्रेष्ठ में किसका नाम आता है? तुलसीदास जी का नाम आता है। और जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, ऐसे कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम सूरदास आता है। सूरदास जी के जन्म के स्थान के बारे में मतभेद है, फिर वो जन्म से अंधे थे उसके बारे में भी लोगों में मतभेद है। तो सूरदास का मतलब यही होता है कि जिसकी आंखें ना हो। तो सूरदास जी का जन्म का समय कोई लोग मानते हैं दिल्ली के पास ही नामक गांव में हुआ, और कई लोगों का मानना है कि मथुरा के पास रेणुका क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। तो इन्होंने जो है किसकी भक्ति की है? श्री कृष्ण की भक्ति की, श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण की भक्ति की और फिर उनकी लीलाओं का गान किया। तो अष्टचाप के कवियों में से ये एक कवि है, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। तो आठ कवि माने जाते हैं, अष्टचाप में आठ कवि माने जाते हैं, उनमें से एक ये कौन है? सूरदास जी है। और इन्होंने कौन सी भक्ति की? वात्सल्य भक्ति की है, यानी कृष्ण के बाल रूप इनके इन्होंने ध्याया है, इनके आराध्य देवता श्री कृष्ण के बाल रूप है। तो पहले में इन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन को छोड़कर और किसी को दर्शन करना और किसी के दर्शन करना इनको अच्छा नहीं लगता है, ये बताया गया है। और दूसरे में श्री कृष्ण जो है वो घुटनों के बल चल रहे हैं, उसकी छवि का वर्णन किया है। तो इन्होंने जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन किया है, उसमें वे अद्वितीय है। तो इनकी तीन रचनाएं प्राप्त है, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। तो इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का ही वर्णन किया है। और इनकी जो सबसे अधिक चर्चित रचना है वो कौन सी है? वो भ्रमर गीत जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो आइए चलते हैं अपने इसके सूरदास जी के पहले पद में। पहला है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत यानी अन्यत्र। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं? मेरा जो मन है वो अन्यत्र कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता है। कहाँ सुख मिलता है? केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही उनको सुख मिलता है, और किसी भी देवता की या देवी की भक्ति में उनको सुख नहीं मिलता है। अनंत यानी अन्यत्र कहीं नहीं, वो श्री कृष्ण के कैसे भक्त? अनंत, अन्य कोई नहीं, और अनंत का है अन्यत्र नहीं, केवल कृष्ण के चरणों में ही। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो और कहीं मेरे मन को सुख प्राप्त नहीं होता है केवल श्री कृष्ण के अलावा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे जो जहाज में जिसका पंछी का निवास स्थान होता है वो जहाज से उड़ के कहाँ जाता है? जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी यानी वापस जहाज पर आवे।
वो वापस कहाँ पे आता है? जहाज में ही आता है। वो पूरा दिन भले कितनी ही उड़ान भरेगा, कितना ही घूमेगा, लेकिन वो वापस कहाँ आएगा? जहाज में। जैसे व्यक्ति किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए, मजदूरी के लिए रोज सुबह घर से निकलता है और शाम को वापस घर पे ही आता है, उसका आश्रय स्थान जहाँ होता है, ऐसे ही तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, जैसे जहाज का पंछी उड़ के वापस जहाज में आता है, वैसे ही मेरा मन और कहीं सुख प्राप्त नहीं करता है। ये कहीं भी जाए लेकिन घूम फिर के भटक के वापस कहाँ आएगा? श्री कृष्ण के चरणों में। कमल नयन, कमल नयन कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ कि उपमा अलंकार हुआ? नयन को किसकी उपमा दी गई है? कमल की। अगर साथ में कोई भी शब्द हो जैसे सा, तो कौन सा हो जाएगा? उपमा। और अगर शब्द ना हो, दोनों को एक रूप कर दिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो नैन कैसे बताया है? कमल नैन। श्री कृष्ण के नेत्र जो है किसके समान है? कमल के समान है। को चाड़ी महातम, कमल नैन को छोड़ के जो व्यक्ति है और देव को ध्यावे, तो वो कैसा होगा? जो इतने सुंदर, जिसके नैन किसके समान है? कमल के समान है, उसको छोड़ के और किसी देवता को जो ध्याता है, पूछता है, वो कैसा है? उनके समान वो मूर्ख है, उसमें बुद्धि नहीं है। दूसरा और एग्जाम्पल देते हैं, परम गंगा को चाड़ी महातम। तो जो व्यक्ति जिसके पास में गंगा नदी बह रही है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो जिसके पास गंगा नदी बह रही है, दूरमति कूप खनावे, कूप यानी कुआ, खनावे यानी खुदाई करना। तो किसी व्यक्ति को अगर प्यास लगती है और उसके पास में गंगा नदी बह रही है, फिर भी वह क्या करता है? पानी के लिए नए कुएं को खुदवाता है। तो कब तो वो कुआ खुदेगा और कब उसमें से पानी निकलेगा, तब तक वो प्यासा बैठा रहेगा, और जो जल में सर्वश्रेष्ठ जल वो गंगा का होता है, वो उसको पीता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाएगा? दूर मति, जिसकी मति जो है, बुद्धि जो है, कैसी है? खराब है। तो सूरदास जी ने दूसरा उदाहरण दिया है कि जो दुर्बुद्धि होते हैं, वे व्यक्ति क्या करते हैं? परम गंगा को छोड़ के वो क्या करते हैं? नए कुएं की खुदाई शुरू करवाते हैं। जी ही मधुकर, मधुकर यानी भंवरा, मधु का रस चूसने वाला। तो जी ही मधुकर अंबुज रस छाख्यो, अंबुज यानी क्या हुआ? कमल का फूल, जिसमें भी शब्द में पीछे ज ज, जैसे जल ज ज हो, वो क्या किसके पर्यायवाची है? कमल के। तो अंबुज यानी कमल। तो ऐसा भंवरा जिसने कमल के रस को चख लिया है, क्यों करील फल भावे, क्या वो कड़वे फल को सेवन करेगा, खाएगा? क्या उसको भाएंगे? नहीं, नहीं भाएंगे। जिसने कमल के रस को चख लिया है, उसको करेले के रस थोड़ी उसको पसंद आएगा। तो जो मेरे भगवान है, वो कृष्ण जो है कैसे है? कमल के फूल के रस के समान है, और दूसरे जो है किसके समान है? करेले के रस के समान है। सूरदास प्रभु काम धैनु तजी, उसके बाद अंत में इस दोहे में सूरदास जी ने उसको किसकी उपमा दी है? काम धैनु की। काम धैनु यानी गाय, काम यानी जो हमारी जो इच्छा है वो, तो उसको इच्छाओं की पूर्ति करने वाली ऐसी गाय जिसको हम क्या कहते हैं? काम धैनु। तो अभी क्या माना जाता है कि वो गाय अभी स्वर्ग में है, जैसे कल्प वृक्ष होता है, ऐसा वृक्ष जो व्यक्ति इच्छा करता है, कल्पता है, वो पूरी कर देता है। इसी तरह काम धेनु भी, जो भी व्यक्ति उससे मांगता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करने वाली जो धेनु है, जो गाय है, उसको क्या बोलते हैं? काम धेनु। तो जो श्री कृष्ण है हमारे, वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, वो सारी इच्छाएं कौन पूरी करता है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण किसके समान है? काम धेनु के समान है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु है वो काम धेनु के समान है, उसको तजी और उसको छोड़ के चेरी कौन दुहावे, चेरी यानी बकरी। तो काम धेनु को छोड़ के कौन बकरी को दुहेगा? कोई भी नहीं इच्छा रखेगा। तो सूरदास जी ने इतने सारे उदाहरणों के द्वारा क्या बताया है कि मेरे जो प्रभु है श्री कृष्ण है, उनको छोड़कर क्यों मैं बकरी को दुहूंगा, क्यों मैं दूसरे देवों को भजूंगा? तो मेरे आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण।
वो श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप की भक्ति करते थे। दूसरा उनका पद है शोभित कर नवनीत लिए। इसमें शोभित यानी सुशोभित है, कर यानी हाथ हस्त, नवनीत यानी मक्खन। तो जो श्री कृष्ण है, जो घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके एक हाथ में क्या है, मक्खन है। तो वो मक्खन लेके क्या हो रहे, सुशोभित हो रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं, दूसरे के मन को हर रहे हैं। तो शोभित शोभित कर नवनीत लिए, श्री कृष्ण जो है नवनीत हाथ में लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। गुटुरुनी चलत, वो कैसे चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु यानी रेती, तन मंडित, तन यानी उनका जो शरीर है, मंडित यानी पूरा लेपा हुआ है, धूल मिट्टी में उनका शरीर पूरा सना हुआ है। मुख दधि लेप किए, दधि यानी दही, और उनके मुंह पे किसका लेप किया हुआ है, दही का लेप किया हुआ है। चारु कपोल, कपोल यानी क्या हुआ, गाल, तो उनके गाल कैसे है, चारु यानी सुंदर है, अपने मन को लुभाने वाले है। लोल लोचन, लोचन का पर्यायवाची आंख, अक्षु नेत्र नयन, तो उनकी जो आंखें है, चक्षु है, वो कैसे है, लोल यानी गोल मटोल। गोरोचन तिलक दिए, और जो तिलक है उनके कौन सा दिया हुआ है, गोरोचन नाम का एक पदार्थ आता है, तो उसका उनके श्री कृष्ण के तिलक किया हुआ है। तो उनको ध्यान से देख रहे हैं कौन, सूरदास जी, और उनका वर्णन कर रहे हैं, लट लट कनी, उनकी लटे है बालों की, जो वो कैसी है, लटक रही है, हिल रही है, वो कैसी प्रतीत हो रही है। मनु यानी मानो, मत का मधुप गन, मधुप यानी भवरा, गन यानी उनके वृंद यानी बहुत सारा समूह, तो वो मत है यानी कैसे अपने बोलते नशे में है ऐसे। तो जो श्री कृष्ण की लटे है वो हिल रही है, वो ऐसा लग रहा है कि भंवरों की पंक्तियां नशे में चूर होके वो हिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वापस पड़ रही हूँ, लट लटकन। श्री कृष्ण की जो लट है, बालों की जो गुच्छे है, वो कैसे लटक रहे हैं, मनु यानी मानो, मत मधुपर गन, तो भंवरे जो है वो नशे में चूर होके एक साथ में बैठे हिल रहे हैं, रस चूसते हुए वो ऐसे मानो कि भंवरे की लटे, भंवरों के गण वहां पे बैठे हैं। मादक मधु ही पिए, और वो क्या कर रहे हैं, मधु पी रहे हैं, रस को चूस रहे हैं, कौन सा रस, जो मन को कैसा कर देता है, नशे में भर देता है, मादक यानी मद भरने वाला, तो ऐसा वो रस कौन पी रहे है, भंवरे पी रहे है, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसको, श्री कृष्ण की लटों को देखकर। कठुला कंठ, कंठ कहाँ होता है, गले में, तो गले में पहने का एक चांदी का आभूषण है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, कठुला, तो इसके और दो तीन नाम है, तो ये कठुला जो है कंठ में पहनाया हुआ है। ब्रज के हरि नख, और जो है उनके दूसरा जो आभूषण है वो के हरि यानी सिंह के, ब्रज यानी एकदम कठोर, तो के हरि के नाखून से बना हुआ एक और उनके आभूषण पहना हुआ है। राजत रुचिर ही है, राजत यानी वो सुशोभित थे, रुचिर यानी मोहित करने वाले ही है यानी हृदय को, तो ऐसा उनका जो श्रृंगार है, जो गले में कठुला ये पहना हुआ है, वो लोगों के मन को मोहित करने वाला है, ऐसे वो सुशोभित हो रहे हैं। धन्य सूर एक को पल ही सुख, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो दिमाग में जो श्री कृष्ण की छवि है, ऐसी वास्तव में मुझे श्री कृष्ण की छवि के दर्शन हो जाए, तो सूरदास क्या हो जाए, धन्य हो जाए। और कितने समय के लिए, केवल एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर मुझे ये सुख मिल जाए, ही यानी यह सुख का सत कल्प जिए। कल्प का मतलब क्या है, कल्प का मतलब शास्त्रों में बताया गया है कितना, 1,32,00,000 वर्ष के समय को एक कल्प बताया गया है, और ये यहाँ कितना है, सत यानी 100 कल्प, तो 100 कल्प जी के मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे 100 कल्प की बराबरी में किससे कर रहा हूँ, एक क्षण के लिए मुझे श्री कृष्ण के वो घुटनों पे चल रहे हैं उसका छवि का दर्शन हो जाए, तो वो मेरे लिए 100 कल्प जीने के समान होगी, और मैं क्या हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा।
तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मुझे 100 कल्प नहीं जीना है, भले ही मुझे 100 कल्प मिल जाए, का सत कल्प जिए, ऐसे 100 कल्प में जी के मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, उससे अच्छा मैं क्या मानूंगा कि एक पल के लिए मुझे श्री कृष्ण की इस छवि का दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की वात्सल्य रूप में उन्होंने वर्णन किया है। ये मैं आपको तत्सम शब्द कुछ बता देती हूँ। अनद का हुआ अन्यत्र, पंची का हुआ पक्षी, महात्म का हो गया महात्म, प्यासों का प्यासा। तत्सम और तद्भव का मैंने आपको पहले भी बताया है। जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों हमारी भाषा में रख दिए गए वो कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम। और जिनका रूप बदल के हमने प्रयोग में लिया वो कौन से शब्द है? तद्भव। तो इस प्रकार हमने ये पाठ पूरा समझा है, और इसके जो भी बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख के लिखो, या जो आंसर है उसके ऊपर बॉक्स बना के उसमें पाठ का नाम, कवि का नाम, और वो क्या कहना चाहते हैं, उसकी कौन सी रचना में से ये पद लिए हुए है, ये लिख के उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर आपको शुरू करना है। धन्यवाद।